को जोड़कर चले, सभी के साथ चले। मैं दल और पॉलिटिकल बातें नहीं करूंगी, मैं निर्दल हूँ, निर्दल की बातें करूंगी। सभी के दिलों में ये जगह बनाना चाहती हूँ कि मैं उस लायक हूँ कि आपके सेवा कर सकूं, आपके गांव में सुख दुख में शामिल हो सकूं, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आज मैं 10 सालों से सिवान जिला में निकली हूँ, बहुत सारे लोगों से मिली जुली आगे बढ़ती रही, सुख दुख में शामिल होती रही। सारा घर मेरा अपना है, कहीं आने जाती है, क्योंकि आदमी क्यों घर में अकेला होता है, बाहर निकलता है। सभी समाज के लोगों की जो ताकत होती है, ऊर्जा होती है, जो सहयोग होता है, उससे इंसान बार बार जिंदा होता है, उसे हौसला मिलता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सब लोग चाहते हैं, सबका सहयोग है, और सबसे बड़ी बात कि मैं जिनकी धर्म पत्नी हूँ, मैं चाहती हूँ कि उनके पचीनों पर चढ़कर चलकर मैं बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोर से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान की निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी और आयरन लेडी के नाम से जानी जाने वाली हेना साहब आज मैरवा के बबनौली गांव में पहुंची, और आप देख सकते हैं कैसे लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हेना साहब लगातार सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक 1 बजे तक दौरा कर रही हैं। सुबह में शहर का दौरा हो रहा है तमाम वार्ड में, और दिन में गांव-गांव जाकर के लोगों से संपर्क कर रही हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रही हैं। दरअसल आपको बताते चले कि इस बार हेना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, और भीड़ ये देख सकते हैं, ये आपको मैरवा के फरचुआ गांव की भीड़ है, जहां पर तमाम महिलाएं, तमाम बुजुर्ग, युवा, सभी लोग हेना साहब के लिए जुटे हुए हैं। और वहाँ पर आपको बताते चले कि जैसे हेना साहब पहुँची, जोरदार तरीके से स्वागत किया गया हेना साहब का, फूलों का माला पहना करके और फूलों की बारिश करके। और इनके साथ अजय चौहान, जो कि जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, संजय कुमार सिंह जो कि मुखिया हैं श्यामपुर के, और इनके साथ तमाम लोगों की भीड़। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हेना साहब का कितने गर्मजोशी के साथ महिलाएं स्वागत कर रही हैं, और जब माला हेना साहब को पहनाया गया तो हेना साहब भी उन लोगों को, बुजुर्ग महिलाओं को माला पहना करके उन्हें ही सम्मानित करने लगी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी लोकप्रिय है हेना साहब, और जब लगातार ये जा रही हैं क्षेत्र में तो इन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है। इनके साथ लीलावती गिरी, प्रिंस उपाध्याय, यह तमाम लोग लगातार क्षेत्र का दौरा हेना साहब के साथ करने में लगे हुए हैं। और हेना साहब का कहना है कि इस बार लोग हमें आशीर्वाद दे करके भेजे ताकि सिवान को एक मॉडल सिवान बना सकूं, और जो शहाबुद्दीन साहब का सपना था उस सपने को पूरा कर सकूं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि सिवान के मैरवा प्रखंड के फरचुआ जो गांव है वहां की तस्वीर है, जहां पर हेना साहब का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार सिवान। रमेश कुशवाहा जी के गांव के लोग ताकत लगा के जितौले रहे विधायक से, शिकायत में भी करो क्यों बुरा मत मानी। हमारा गांव डूबत रहा, पूरा फरछुआ डूबत रहा पानी से, गांव के लोग बुलावल विधायक जान चुकी नाला एगो बनल बा पूर्व नाला विधायक जी के मत से, संजय भैया भेज मंच पर बने, हमनी के संजय सिंह जी बने 25 बरस से लगातार मुखिया बने, शामपुर पंचायत हमें
चनौर पंचायत से मुखिया बानी आवा के संग चला तना चुकि लेट होता त नमो को भुला गेल बावे। लीलावती गिरी जी बानी जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष साबुदीन साहब यहां के जिला परिषद के अध्यक्ष बनावल रहे आ मैडम के सारथी के रूप में चला तनी प्रिंस उपाध्याय जी बानी शशि यादव जी मुखिया जी बानी कमान संभालले बानी एकदम युवा बानी ये के साने दिमाग कार्यक्रम होता मायर वाला कमान संभालले बानी ताकत से जात के समय ना जमात के समय जमात की बात यहाँ कर दे आ हीरा साहब जी जात के उठ के जमात की बात करत हैं आ ताकत लोग के मिलत है हिंदू के मुसलमान के है चाची लोग बैठल बा जल्दी मैडम धर्मेश कुशवाहा जी के बुलावल लोग जाए अब चूंकि हमने को मैं डूबत रहने जाओ नाला हमारा रेंज से बाहर करा बड़ी बड़ा लाया बा तो लोग कर के बुलाओ मुखिया के बोलू तो मैं डूब गई नहीं सर उबावे 1500 फुट नाला तो 1500 फुट नाला हमने से बा नहीं ना बने तो भाई की विधायक जी के मैडम बुलाओ जाओ गाँव डूबत रहे विधायक जी के बुलाओ गाँव के लोग बैठावत रमेश कुशवाहा जी के रमेश कुशवाहा जी को अभी क्या करे गाँव के लोग चंदा लगा के नाला बनवा लो और वहां के चल याद बा भाई याद गाँव के लोग के गलती लेकिन कहा हो अमिताभ गलती लेकिन कहा अब रउरा लोग निर्णय करे के बाद कि क्या करे के चाहिए एक तरफ बड़े हीना साहब साबुदीन साहब साथ छोड़ के चल गए चाची लोग बैठल बा का दर्द हुई महिला के धूप पे चिलचिला 15 बरिस हो गए वो महिला के 3 बार चुनाव हार ली तब डराई नहीं थी घबराई नहीं थी ओकरा बाद टिकट भी काट दहल गई निर्दलीय लड़ता नहीं का कह के कि पूरा सीमान के लोग हमारा अंग हवे सब रंग वाला लोग के ताकत बा आई राष्ट्रीय जनता दल के छोड़ के मालिक लोग के ताकत पर चुनाव लड़ता नहीं विश्वास के साथ बतावे के चाहता नहीं कि जे हमने के ठगे के काम करे ला रमेश कुशवाहा जी फिर टिकट लेके आ गेल बने आ का कहत नि जिता द लोग पछुआ के मालिक लोग पूछे के बा कि चंदा से नाला बनाओ तन जा जीतल विधायक भइल तो आ एमपी बना के तो का करब तनि बता दे हिसाब दे तो तोहरा के वोट जब पहला सवाल ये पूछे के बा आ हमनी के अपन नेता चुने के बानो विनय पांडे जी बने अगर अगर के आ जाए हमने के अपन नेता चुने के बा आ नेता काहे के चुने के बा हमने के नेतृत्व करे हमने के सुख में दुख में साथी बने के वही के तो नेता चुने के बा हीना साहब इस नंबर कल बड़ी हमने के घूम घूम के वकालत करत जा चिल्ला चिल्ला के आत जा काहे के साहब काम कइले रहल आज भी सिवान में कहीं जा के तो साहबुद्दीन साहब के काम को याद बा आ साहबुद्दीन साहब जकरा के एमएलसी बनाइल हई बाल लोग हमर दलित भाई के लोग परमात्मा राम जी के एमएलसी बनल आ मैडम जना रास्ता से ये देखे लोग पीछे पोखरा पर सामुदायिक भवन बा वो सामुदायिक भवन परमात्मा राम जी के समय के बना होला काजी रामानंद जी बात सही बा लोग साहेब के जेब रहे कना बनल बा आज ले हमरा गांव में एमपी एमएलए के को फंड में किया ना अभी सारे मिला ना होने 150 गांव के मालिक लोग से अपील करम ताकत लगा के सब समाज के लोग एमे आप बटन नहीं थे ना हिंदू बटल बा ना मुसलमान बटल बा ना अगड़ा बटल बा ना पिछड़ा बटल बा आ दावा के साथ कहत नहीं ए गांव के हमर मालिक लोग बा के अगर कंफ्यूज अपना में पल्ल अपना दिमाग में भरम पल्ल तो निकाल दे कौन भरम स्वर्ण समाज के देखत नहीं लोग है बाबा लोग के गावे आगरा कर बाबा लोग कहो कि ना हमारा द्वार पर तो बांध में चलो पहले हम समाज के तहार लोग को वही जवान लेके चले जाओ वहां लोग चल के आइल बने इधर से त्रिभुवन बाबा से कहो कि ये ना रहे कि वो ने मिट्टी यहां कह दे हमने के पूरा पानी देता रहा संगे तो स्वर्ण समाज 80% हीना साहब के सामने ताकत से खड़ा बा वो है ना अति पिछड़ा के तमाम जितना अति पिछड़ा में नोनिया बीन मला जितना भाई बानी जा चिल्ला चिल्ला के हजाम भाई मैडम के संग बानी जा वो है ना दलित समाज के लोग कभी साहबुद्दीन साहब कहले रहो परमात्मा राम जी के एमएलसी बनेले रहो दलित समाज के लोग भी खड़ा बा आ वो जो छोड़ दे है टिकट के लोग बात बतिया होता कि हाई पार्टी के हमार जात के टिकट बा हो हम बा देख ले यही जगह में हमार भाई बानी खड़ा गई शशि यादव जी है ताकत के संग खड़ा बानी शशि यादव जी कहां है ना पटल बाजी हिंदू बा मुसलमान बा अगड़ा बा पिछड़ा बा ननिया बा बीन बा मला बा चमार बा दुसार बा कोहरी बा कोहार बा तेली बा धमली बा ब्राह्मण बा राजपूत बा भूमिहार बा सब समाज के लोग आज हीना साहब के सामने खड़ा बा आ देखे नया इतिहास लिखाई आग्रह करे मेरे मालिक लोग से सब बात भुला जाए चवनवा रुना बीच के हमें ई तो बराबर खोजे नु कावे नहीं हमरा आग्रह पर जबे खोजे 12 बजे रात के रहे नहीं आ रहे एक मौका देती हूं महिला के
जे आदमी 15 साल तपस्या कइले बा चाची लोग सुनत रहो भैया लोग मत बहुत लोग आई समझाई जात के बात करी जमात के बात करी पार्टी के बात करी ना जात पर जाए के बा ना पार्टी पर जाए के बा जमात पर चले के पूरा गांव जने कहता अगर पूरा गांव कहता कि न्याय करे के चाहिए मजदूरी देवे के चाहिए वो महिला के 15 साल दिन सबके सुख में दुख में आइल बड़ी गइल बड़ी आ जे मेहनत करे ला मजदूरी देवे के चाहिए कि ना देवे के चाहिए बताई लोग देवे के चाहिए नहीं तो परछुआ के मालिक लोग मजदूरी दी कि ना दी तो मजदूरी करी के हम कहा कि हिना साहब के कहा के वोट रुपया लो दो दो मजदूरी करे मैं एक मौका देख के देखी जीतन भाई हमर माने जीतन भाई वार्ड सदस्य जीतन राम जी विनय पांडे जी बैठे बने रामानंद राम जी खड़ा हो जाए साहेब के मैडम बहुत करीबी आदमी देख लो चीन लीन जाके धन्यवाद जब भैया इतना ही ना हाथ साहेब के हो वो जमाना के साइकिल से साहेब को लगे आई ये के बाल रहे तो एमएलसी वाला फंड लेके आए बने जन बनल बा ना जी ये बात हम गलती लेकिन बोला तो तमाम लोग के प्यार जुटल बा आ अब तो छोड़ दे मैडम वो जालिम तिवारी जी बैठे बने आ भाई त्रिभुवन तिवारी जी की महारथी लोग ने जब ये लोग के साथ बा तब कहना बात के दिक्कत बात तो पूरा हमार पछुआ एक संग बा सब समाज के लोग बा विश्वास रखी लो पछुआ के यहाँ पे जनता सभी हमारे बड़े बुजुर्ग विद्वान समाज सभी नेतागण यहाँ पे आए हुए सभी विनय पांडे जी जीतन राम वार्ड सदस्य हैं त्रिभुवन तिवारी जी केदार तिवारी जी जालिम तिवारी जी सुनील माझी जी शशि यादव मुखिया जी प्रिय उपाध्याय जी सुभाष तिवारी जी शिवजी ठाकुर जी अमिताभ चौहान जी दीपक चौहान जी रामानंद राम सुरेंद्र बाबा देवान जी तिवारी जी संजय सिंह मुखिया जी और हमारी लीलावती गिरी जी और हमारी सभी माता बहने नौजवान बच्चे सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आदाब प्रणाम करती हूँ बहुत सारी बातें ना करके गांव किसी का भी हो सिवान हमारा है सारे लोग हमारे हैं सिवान परिवार हमारा है टुकड़ों में जो बटे हुए थे मेरा कर्तव्य है कि सभी सिवान जिला के एक एक लोगों को जोड़ कर मन में अगर किसी को कोई भी मन मुटाव है छोटी छोटी बातें हो जाती है घर द्वार में गांव गढ़िया में तो उन सबको भुला कर इस बार हम लोग सिर्फ सिवान के लिए सोचे अपने सिवान को कहाँ ले जाना है कहाँ पे पहुँचाना है हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है इस पर सोचने की जरूरत है ना कि आपस में टुकड़ों में बंटकर भेदभाव में एक दूसरे के से अलग रहकर ये कोई जिंदगी नहीं है मैं चाहती हूँ कि हमारा सिवान एक ऐसा सिवान बने बहुत पहले बहुत सारे काम हुए आपके पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब ने किया सभी को जोड़कर चले सभी के साथ चले मैं दल और पॉलिटिकल बातें नहीं करूंगी मैं निर्दल हूँ निर्दल की बातें करूंगी मैं सभी के दिलों में ये जगह बनाना चाहती हूँ कि मैं उस लायक हूँ कि आपके सेवा कर सकूं आपके गांव में सुख दुख में शामिल हो सकूं ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी आज मैं 10 सालों से सिवान जिला में निकली हूँ बहुत सारे लोगों से मिली जुली आगे बढ़ती रही सुख दुख में शामिल होती रही सारा घर मेरा अपना है कहीं आने जाने में मुझे संकोच नहीं होती है क्योंकि आदमी क्यों घर में अकेला होता है बाहर निकलता है सभी समाज के लोगों की जो ताकत होती है ऊर्जा होती है जो सहयोग होता है उससे इंसान बार बार जिंदा होता है और ऊर्जावान होता है उसे हौसला मिलता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए सब लोग चाहते हैं सबका सहयोग है और सबसे बड़ी बात कि मैं जिनकी धर्म पत्नी हूँ मैं चाहती हूँ कि उनके परचिनों पर चढ़कर चलकर मैं आगे बढ़ूं मैं परछाई के रूप में उनके हर जगह पहुंचूं और सेवा भाव करूं सेवा से सभी को सत्कार नमस्कार प्रणाम करूं और सभी का मान सम्मान रखूं
ताकि लोगों को लगे कोई कहे मेरी बेटी आ रही है, कोई कहे मेरी दीदी आ रही है, कोई कहे मेरी बहन आ रही है। ये मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे नेता नहीं कहे, मुझे अपने घर का सदस्य समझे। और यही मेरी भावना है, यही मेरी सोच है। इसी के साथ मैं जन जन तक जाती हूँ और छोटे छोटे मैं वादा करती हूँ जितनी मैं पूरी कर सकूँ। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे बातें हैं। समाज में रहना है, परिवार में रहना है, बहुत सारी जरूरतें पड़ती हैं। उन सबको बहुत मैं कड़ी बाई कड़ी जोड़ना चाहती हूँ। अपनी मैं माँ बहनों की परेशानियों को, दुख को हरना चाहती हूँ। मैं यही सोच के साथ आप सबके बीच में आई हूँ। इसीलिए मैं डायरेक्ट अपनी माँ बहनों से कहूंगी कि अगर आपके मन में थोड़ी भी संकोच है कि हाँ ये महिला है झूठा बूटा बोलने वाली, भाषा देने वाली, तो आप मन में जरा भी संकोच मत रखिएगा, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आपके हर दुख सुख में शामिल होने के लिए आई हूँ, सेवा भाव से आई हूँ। अपने जिला की मैं सेवा करूंगी और आखिरी दिन तक करती रहूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। चुनाव बहुत सारा आया और गया, हर परिस्थिति से मैंने लड़कर यहाँ तक पहुँचा है। अब तो मुझे बहुत ताकत है, बहुत हौसला है। पूरे सिवान जिला के लोग, एक एक लोग मुझे आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं कि आप जाइए, मेरी आवाज बनिए और मेरी मैं हाजिरी दे रही हूँ। और सारे नौजवान चुनाव की तैयारी में लग गए हैं, सारे नौजवान चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। मुखिया जी ने कहा है कि हम लोगों को सेवा करने के लिए आगे आए हैं, चाहे कोई मुखिया हो, बीडीसी हो, वार्ड हो, जिला पार्षद हो, हर किसी का हक है कि छोटे बड़े हर कुर्सी पे बैठता है तो वो समाज की सेवा के लिए बैठता है। खुद मेवा खाने के लिए नहीं, मेवा तो शुरू से घर परिवार में जो है वो चलता रहेगा, लेकिन इस बार हम लोग सेवा की भावना से आए हैं, सेवा करके दिखाएंगे। एक जरूर इतिहास बनेगी कि सिवान जिला की बेटी ने एक इतिहास लिखा है। सभी के सेवा करते करते अपनी दिनचर्या गुजारी। धन्यवाद, मैं फिर आऊंगी आप लोगों के बीच में, बहुत सारी बातें करूंगी, मिलती जुलती रहूंगी। थैंक यू। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर एमडी मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एमबीबीएस डीएनबी जनरल सर्जरी दिल्ली लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान। प्लस पब्लिक स्कूल सीबीएसई कैरिकुलम कक्षा नर्सरी से 8वीं तक लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला सिवान 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर्स, ऑल कैंपस सीसीटीवी कैमरास, कंप्यूटर लैब एंड स्मार्ट क्लासेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, म्यूजिक, पेंटिंग, योगा एंड मार्शल आर्ट क्लासेस। जल्द ही नामांकन कराए प्लस पब्लिक स्कूल लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। सिवान में खुल गया है जानदार व शानदार होटल ग्रैंड पाटलिपुत्र, अ कंफर्ट स्टे जहां मौजूद है लग्जरियस रूम, रेस्टोरेंट एंड बैंकवेट हॉल। सिवान मेरवा मेन रोड नियर दरोगा राय कॉलेज श्रीनगर सिवान। कॉल करें 8797773511 9263020725। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सा कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245।